Hello students, this is Sudhir Shukla. Today I will tell you the topic detection of signals in noise. Okay, so in this video we will come to know how the signal is being detected in the presence of noise. Got it? तो अब देखना है हमें, क्योंकि देखिए जो ये सिग्नल की बात करता है, जिस सिग्नल की ये बात करता है, उस सिग्नल को मैंने बताया था कि सिग्नल इज अ क्वांटिटी विच कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वी एंड वी और आई. वोल्टेज या करंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी करता अगर कोई क्वांटिटी है, डेट इज कॉल्ड क्या, सिग्नल आपका. ठीक है, तो हम यहां देखेंगे. अब देखिए, जो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है, उसमें हमारा एक टर्म आया था एस मिनिमम. ये हमारे रडार इक्वेशन में भी टर्म आया था, ये एस मिनिमम. तो व्हाट बेसिकली इज, ये आपका क्या है, ये आपका कहलाता है मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल. ठीक है, मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल कहलाता है एस मिनिमम. इसका रेंज के साथ क्या रिलेशनशिप है, वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ रडार इक्वेशन को अगर हम रिमेम्बर करेंगे, वी विल फाउंड दैट आर मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एस मिनिमम. तो कहने क्या मतलब है कि मैंने ये वीडियोज में डिस्कशन किया था, फिर भी वंस अगेन आई एम लेटिंग यू नो दैट कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एंटीना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एंटीना है, यहाँ से वेव्स गई. अब आपका टारगेट, लेट सपोज ये मैक्सिमम आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज का केस है. ठीक है, मैक्सिमम रेंज इस यहाँ टारगेट पे कहीं है और ये है आपका 1000 किलोमीटर, ये है 1000 किलोमीटर. ठीक है, मतलब आपने जो ये रडार सिस्टम यूज किया है, ये रडार सिस्टम मैक्सिमम रेंज कवर पा रहा है, वो आपका क्या आ रहा है, 1000 किलोमीटर आ रहा है. तो अब क्या है कि जो सिग्नल, देखिए ये आर मैक्स है, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपकी आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज है, इतना कवर कर पा रहा है. अब ये आर मैक्स को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कैसे इस सिग्नल से उसका रिलेशनशिप जो होता है वो किस प्रकार से मिनिमम होता है, इनवर्सली होता है. ठीक है, देखिए अब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे हम इसकी पार्टीशन कर देते हैं, यहाँ मान लीजिए हम कर देते हैं 200 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं 500 किलोमीटर, यहाँ हम कर देते हैं 800 किलोमीटर. ठीक है, तो अभी पार्टीशन कर दो. अब देखिए जैसे जैसे मान लीजिए ये चार केसेस बनते हैं, पहला केस ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा केस ऑब्जेक्ट यहाँ है, तीसरा केस ऑब्जेक्ट यहाँ, चौथा केस ऑब्जेक्ट यहाँ. तो अब क्या होता है, पहले केस में जब ऑब्जेक्ट होता है, मतलब 200 किलोमीटर पे होता है, उस समय सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हाई रहती है. ठीक है, फिर जैसे थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जैसे 200 पे क्या होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम रहती है. ठीक है, थोड़ा सा और जाते हैं, 500 किलोमीटर पर जाते हैं, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती है, थोड़ी सी घट जाती है. फिर और हम 800 किलोमीटर पर जाते हैं, फिर सिग्नल की स्ट्रेंथ और क्या होती है, थोड़ी सी घट जाती है. जब 1000 किलोमीटर पर आते हैं तो सिग्नल की स्ट्रेंथ और क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो अब क्या है कि यहाँ पे भी जो है, तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ हम पहले केस में ले रहे हैं वो यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे है, तीसरे में इस यहाँ केस है और चौथे में यहाँ केस है. तो अब क्या है कि जो पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस जो आपका है, वो वहाँ पे उसमें हम देखेंगे कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ के साथ रिलेशनशिप है वो आपका क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर हम 200 किलोमीटर पे देख रहे हैं, फिर आपका 500 किलोमीटर पे देख रहे हैं, फिर 800 किलोमीटर पे देख रहे हैं, फिर 1000 किलोमीटर पे देख रहे हैं, तो 1000 किलोमीटर पे क्या केस हो रहा है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ आपकी क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है. मतलब जब आपकी दूरी मैक्सिमम होगी, उस दौरान जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी डेट विल बी मिनिमम, वो क्या होगा आपका, मिनिमम होगा. तो अब हमें पता भी है कि जैसे नॉर्मली जो हमारे फोन्स होते हैं उसमें जो हम देखते हैं कि हमारा नेटवर्क वीक रहता है, तो हम कहते हैं लगता है हम टावर से बहुत दूर हैं, जनरली हम कहते हैं, और ऐसा होता भी है. और जब नेटवर्क बढ़िया रहता है तो हम कहते हैं कि लगता है हमारे आसपास कहीं टावर है जिससे नेटवर्क बढ़िया पड़ रहा है. तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घटती रहती है. तो यही एग्जांपल जस्टिफाई करता है कि जो आपका आर मैक्स होता है डेट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इस मिनिमम सिग्नल के. ठीक है, सो what is this as minimum, the weakest signal that can just be detected by a receiver is the minimum detectable signal and it is denoted as
एस मिनिमम, गॉट इट? ओके, सो द डिटेक्शन ऑफ ए रडार सिग्नल इज बेस्ड ऑन establishing a threshold at the output of the receiver, as we have discussed in our radar basic block diagram, that at the last section there will be a threshold section, threshold output. What it do? It basically tells that whether the signal is present or not, whether the object is present or not, and that information is basically carried by that signal. Okay, that signal, and that signal is what? That echo signal, that echo, not that transmitted signal, that echo signal. Okay, so that detection is called threshold detection. Or usko hum kya bolte hain? Usko hum bolte hain threshold detection. Theek hai, usko hum bolte hain threshold detection. Matlab जो रडार का बेसिक ब्लॉक डायग्राम था उसके आउटपुट सेक्शन पे कहीं ना कहीं हम जब सिग्नल का कंपैरिजन कर रहे थे या जो भी टेक्निक्स या जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे थे उसके दौरान जो हमारा आपका कंपैरिजन करने के बाद जो आउटपुट आता है वही आपका क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड डिटेक्शन कहलाता है. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम एक छोटे से फिगर के थ्रू समझेंगे. ठीक है, एक मैं फिगर बनाता हूँ और उस फिगर के थ्रू हम इसको समझते हैं. ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसे है, एक और कर लें ऐसे. देखिए हर लेवल को मैंने अलग अलग तरह के डॉट से जस्टिफाई किया है. ठीक है, ऊपर वाले जो है वो कम डिस्टेंसिंग के स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं, उसके ऊपर वाले थोड़े से और अच्छे डॉट्स हैं. ये आपका जो बेसिकली मैं बना रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्राफ विच कम्स एट द आउटपुट ऑफ द थ्रेशोल्ड डिटेक्शन. ठीक है, जो रडार के डिस्प्ले पे आउटपुट आता है. अब मैं इनको अलग अलग पॉइंट से डिनोट कर देना है. इसको मैं कर दे रहा हूँ ए, इसको मैं कर दे रहा हूँ बी, इसको मैं कर दे रहा हूँ सी. ठीक है, अब देखिए क्या है, इस एक्सिस को हम बेसिकली लेते हैं वोल्टेज, इसको हम क्या ले लेते हैं? वोल्टेज ले लेते हैं. इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल, इसको हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड लेवल. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड लेवल, इसको बोल देते हैं. और ये बेसिकली जो है ये आरएम, ये जो है ये वाले को हम बोल देते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ नॉइज. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू ऑफ नॉइज. अब देखिए रडार के डिस्प्ले पे कुछ हमारा ये आ रहा था डायग्राम, रडार के डिस्प्ले पे कुछ हमारा ये डायग्राम आ रहा था. ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जो ये बेसिकली फिगर होता है डेट इज एनवेलप ऑफ द रडार रिसीवर आउटपुट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ये आपका टाइम की एक्सेस है, फंक्शन ऑफ अ टाइम. ओके, और रेंज, इट मे बी टाइम और इट मे बी रेंज, वेयर दीज पॉइंट्स ए बी एंड सी रिप्रेजेंट्स सिग्नल प्लस नॉइज. ओके, ए एंड बी वुड बी वैलिड डिटेक्शन बट सी इज अ मिस्ड डिटेक्शन. वॉट हैपेंस कि जो आपका ये डिस्प्ले आता है, हमें पता है जो आपका इको सिग्नल होता है, जो आपका इको सिग्नल होता है, ये इको सिग्नल में मैसेज सिग्नल और प्लस नॉइज सिग्नल दोनों सिग्नल जुड़े होते हैं. ये नॉइज हमें पता है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम नॉइज को, वी कांट रिमूव, वी कैन रिड्यूस इट अप टू द मार्क बट वी कांट रिमूव इट आइडियली 100%. वी कांट रिमूव, वी आर नॉट एबल टू रिमूव द नॉइज. नॉइज ऐसा एक पैरामीटर है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आइडियली बिल्कुल नहीं रिमूव की जा सकती है. हम उसको जहाँ तक हो सके जिस टाइप के फिल्टर्स का यूज़ करके, जो भी टेक्निक्स यूज़ करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ हमारा डिस्प्ले है जिसमें हमने कुछ में, ये जो ग्राफ आया इस पर हमने कहीं कुछ बताया कि ए बी और सी जो है वो ए बी कुछ आपके वैलिड डिटेक्शन करा रहे हैं, सी मिस डिटेक्शन है. तो क्या होता है बेसिकली, अब देखिए हमने बात किया था थ्रेशोल्ड डिटेक्शन की. अब देखिए जो थ्रेशोल्ड की वैल्यूज होती है बेसिकली, दो थ्रेशोल्ड की वैल्यू होती है बेसिकली. अब इसका हम क्या कहते हैं, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू पे ही मैक्सिमम चीजें निर्भर करती हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू, एक बार हम पुट करते हैं कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू हाई पुट की हमने, और एक बार हम केस लेते हैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमने लो पुट की. तो दो केसेस हम लेते हैं. ठीक है, मॉडरेट वाला केस हम नहीं लेते हैं, बस हम दो केस लेते हैं कि एक बार जो है
थ्रेशोल्ड की वैल्यू हाई रखी हमने और एक बार थ्रेशोल्ड की वैल्यू लो रखी। सो व्हाट हैपेंस कि जब हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू हाई रखते हैं, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस कि जब थ्रेशोल्ड की वैल्यू हाई रहती है उस दौरान जब हम देखते हैं इस ग्राफ के थ्रू, तो हम क्या पाते हैं कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू हाई रखने पे जो डिटेक्शन होती है, जो ये पीक्स हैं यही इन्फॉर्मेशन ला रही है, ठीक है, यही हमारे लिए कंसिडरेबल है, ये नहीं, ये वाले जो ऐसे ग्राफ बने हुए हैं ये अभी नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए है क्योंकि देखिए थ्रेशोल्ड लेवल हमने ये डिसाइड कर दिया, मतलब हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमने बहुत हाई सेट की हुई है, ठीक है, ये वाला हाई वैल्यूज है, ठीक है, हम दो केस ले रहे हैं इसमें, एक इसको लो लेते हैं इसको हाई ले लेते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमने हाई सेट की, मतलब कुछ हमने थ्रेशोल्ड का लेवल ये सेट कर रखा था, उस दौरान हम देखते हैं जो डिटेक्शन होता है वो सिर्फ ए और बी होता है, हमारा क्या रह जाता है, सी पॉइंट रह जाता है, इन्फॉर्मेशन तीनों पल्स जो तीनों ग्राफ्स है तीनों पीक्स हैं तीनों लेके आई हैं, ए बी सी हमारे लिए महत्वपूर्ण तीनों है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू जब हाई रखी उस दौरान हमारे पास जो पीक मिल रही है वो सिर्फ मिल रही है पॉइंट ए और बी से। अब क्या होता है कि ए और बी पॉइंट को ही जब डिटेक्ट हो पाता है तो हम इसको कहते हैं दिस इज वैलिड डिटेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए एंड बी क्या कहलाते हैं, वैलिड डिटेक्शन कहलाते हैं, वैलिड डिटेक्शन कहलाते हैं, और उस दौरान जो आपका सी हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, मिस्ड डिटेक्शन हो जाता है, उस दौरान आपका सी क्या बन जाता है, मिस्ड डिटेक्शन हो जाता है। दैट मीन्स इफ द थ्रेशोल्ड वर सेट टू हाई नॉइज विल नॉट लार्ज एनफ टू कॉज अ फॉल्स अलार्म बट वी टारगेट इकोज might not exceed the threshold and would not be detected. When this occurs, it is called missed detection. What it is called? It is called missed detection. ठीक है, जब threshold की value high रखी तो हमारे साथ ये case बना, when the threshold value is kept too low or set too low, noise might exceed it and be mistaken for a target. This is called a false alarm. Means from this discussion we will come to पैरामीटर्स, व्हाट इज मिस्ड डिटेक्शन एंड व्हाट इज फॉल्स अलार्म। तो जब हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू, अभी मैं कंक्लूड करूंगा, जब थ्रेशोल्ड की वैल्यू हम बहुत लो रखते हैं उस दौरान क्या होता है कि नॉइज भी हमारा कंसिडर हो जाता है, जब हमारा यहाँ पे ये रखते हैं ये छोटे छोटे पीस जो है ये नॉइज को हम डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था अभी कि जो हमारा ग्राफ होगा जो इको सिग्नल होगा वो माइनस सिग्नल प्लस नॉइज सिग्नल दोनों ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नॉइज है, जब हम थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत कम रखे, ये लो का केस है ये हाई का केस है, तो लो के केस में जब हम रखते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू तो वहाँ पे क्या होता है नॉइज भी एक्सीड कर जाती है, जब हम थ्रेशोल्ड वैल्यू हाई रखते हैं तो वहाँ सिर्फ आपके यही दो एक्सीड कर जाते हैं, ये पार्ट रह जाता है। तो कहते हैं कि जब हम लो का केस रखते हैं, जब थ्रेशोल्ड वैल्यू लो का केस रखते हैं तो वहाँ केस आपका आता है फॉल्स अलार्म का, ठीक है, वहाँ क्या आता है फॉल्स अलार्म का। अब देखिए क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो आपका रेंज का पैरामीटर बनेगा वो डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी पे, और वो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन में ये आते हैं, ठीक है, वैलिड डिटेक्शन और मिस डिटेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म में ये केस आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन वाले केस में कब आता है, जब थ्रेशोल्ड वैल्यू हम हाई रखते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म का केस कब आता है, जब हम थ्रेशोल्ड लेवल क्या रखते हैं, बहुत लो रखते हैं। अब देखिए क्या है, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्या है कि ये हमारा ग्राफ आया स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, जब थ्रेशोल्ड का लेवल हाई था उस दौरान ए बी तो डिटेक्ट हो पाए थे, लेकिन सी, आप देखिए ए की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जो एस मिनिमम या सिग्नल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ए की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ किसी कम है बी की, उससे कम स्ट्रेंथ किसके सी की, ठीक है, तो इन तीनों में जो वीक सिग्नल है वो क्या आपका सी, सी आपका क्या है, सी आपका जो है ये आपका है वीक सिग्नल, ठीक है, इनकी कंपेरेबली, इनके कंपेरेबली तो स्ट्रॉन्ग है, इनके कंपेरेबली क्या है, ये हमारा वीक सिग्नल। अब देखिए जब हमारा थ्रेशोल्ड की वैल्यू हाई थी उस दौरान ये दोनों सिग्नल्स तो डिटेक्ट हो पाए थे, लेकिन हमारा एक ये सी वाला जो पार्ट है जो वीक सिग्नल कहला रहा है ये आपका रह गया था, ठीक है, महत्वपूर्ण हमारे लिए तीनों सिग्नल है, अब इसके रह जाने की वजह से इस सी को हमने क्या नाम दिया था कि दिस इज मिस्ड डिटेक्शन, ये आपका क्या है, ये आपका है मिस्ड डिटेक्शन है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये मिस डिटेक्शन है वैलिड डिटेक्शन है, अब क्या होता है कि जब हम थ्रेशोल्ड वैल्यू टू लो रखते हैं, मतलब जब फॉल्स अलार्म का केस लेते हैं, तो फॉल्स अलार्म के केस में क्या होता है हमारा बेसिकली कि यहाँ पे सिर्फ जो है, सिर्फ यहाँ पे जब हम देखते हैं इसको
तो यहाँ पे फॉल्स अलार्म के केस में क्या होता है कि जब हम वैल्यू बहुत कम रखते थे, अब कम रखने की वजह से हमारे वीक सिग्नल का इश्यू आ रहा था कि वीक सिग्नल हमारा रह जा रहा था, वीक सिग्नल डिटेक्ट तो हो जा रहा है लेकिन उसके साथ क्या कंसिडर हो जा रहा है, नॉइज भी आ जा रहा है, और नॉइज के आते ही वो हमारे लिए क्या हो जाता है, फॉल्स अलार्म। क्योंकि हमें मतलब है अपने सिर्फ मैसेज सिग्नल से, हमें नॉइज से मतलब नहीं है, लेकिन अगर नॉइज सिर्फ आने लग रहे हैं, मतलब ये आया तो ठीक है लेकिन लेट सपोज अगर कोई टारगेट नहीं होता तब भी हमारे ये नॉइज वाले ग्राफ आता ही आता, तो वो नॉइज हमारे लिए क्या बन जाता, फॉल्स अलार्म का केस बन जाता। तो इस वजह से जो आपका थ्रेशोल्ड की वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से हम सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा न फॉल्स अलार्म का केस बने और न मिस्ड डिटेक्शन का केस बने, वो हमारा क्या केस बने, वैलिड डिटेक्शन का केस बने। तो स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड की सेटिंग या थ्रेशोल्ड की वैल्यू कुछ इस प्रकार से ही हम डिसाइड करते हैं कि वो हमारा जो है कुछ इस प्रकार से बने कि वो हमारा फॉल्स अलार्म का केस ना हो, क्योंकि हमने न थ्रेशोल्ड की वैल्यू बहुत लो रखनी है और न ही हमने थ्रेशोल्ड की वैल्यू बहुत हाई रखनी है। ठीक है, तो ये मॉडरेट रखते हैं, थ्रेशोल्ड की वैल्यू ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डिसाइड करते हैं कि हम क्या रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को हम कंसिडर करते हैं, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमने क्या रखनी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ सिग्नल्स इन नॉइज, मतलब नॉइज के प्रेजेंस में हम किस प्रकार से रखेंगे थ्रेशोल्ड की वैल्यू, जिससे हम सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाएं, क्योंकि सिग्नल्स जब डिटेक्ट हो पाएंगे उसकी अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा टारगेट प्रेजेंट है कि नहीं है, क्योंकि थ्रेशोल्ड ही बताता है। क्योंकि अगर वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें हमारा टारगेट के द्वारा जो आया हुआ इको सिग्नल है वो मिस हो जाएगा, और बहुत कम है तो हमारा नॉइज भी बताएगा, नॉइज भी आता रहेगा, उसको भी बताएगा कि लग रहा है कोई टारगेट है, बट एक्चुअल में कोई टारगेट नहीं होगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड की वैल्यूज पे ही डिसाइड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ सिग्नल्स इन नॉइज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।